हेलो गाइस, आई होप आई एम विजिबल एंड कैन यू सी मी। हाय हाय जस्मीन, हाय, कैन यू गिव मी ईयरफोन? हियर इट इज इन चार्जिंग। हेलो गाइस, हाय मेगा, फैंटास्टिक, हाय अपूर्वा, hi, hello, hi Anand, fantastic, I'm hearing all up, fantastic, बस आप मुझे सही से सुन पाए मैं इसलिए ईयरफोन कर रहा हूँ। Hi Bonting, how's your leg bro? How's you? Hi Purva, good evening Mega. हाँ सुशील, नाइस लुक। हाँ मैंने बाल कटा दिए यार। आनंद, मस्त बुक समरी, कौन सी वाली? हीरो वाली देखी आप लोगों ने? हीरो, कितने लोगों ने हीरो वाली बुक समरी देखी है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट? हाय हाय तारक, हाय ब्लेस ब्लॉसम, ब्लेस ब्लॉसम आपका नाम क्या है यार? व्हाट इज द नेम, द एक्चुअल नेम? Bless Blossom. अच्छा ओके, हीरो डन। ओके, कितने लोगों को हीरो बहुत पसंद आई? हीरो वाली जो वीडियो है बहुत ज्यादा पसंद आई है। हाउ मेनी ऑफ यू रियली लाइक्ड इट? ग्लोरियस, ऑलराइट, थैंक यू सुशील। हाय सुभाष, आमिका ने देखी, फैंटास्टिक। हाय जयेश, यूनिवर्सल फ्लायर, हेलो, विल ओके, विल ओके, ब्लेस ब्लॉसम, मुझे पर्सनली प्लीज बता देना। मियाओ, ये मियाओ कौन है? व्हाट इज दिस मियाओ, हु इज दिस मियाओ? आनंद मेरिको, ओके फैंटास्टिक, बिग फैन फ्रॉम नेपाल सुभाष जी, थैंक यू सो मच। ओके ओके फैंटास्टिक। ओके सो आप में से बहुत सारे लोग हमें इंस्टाग्राम पर देख पा रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग हमें यूट्यूब पर देख पा रहे होंगे। एंड आप आई एम श्योर जो लोग इंस्टाग्राम पर हैं उन सब लोगों ने हमें जो हमारा लाइव का जो नया चैनल है रीडर बुक्स क्लब लाइव उसे सब्सक्राइब किया है। और जितने भी हमें यूट्यूब पर देख पा रहे हैं आई एम श्योर आप सब लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया है। अगर नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से कर लें, ठीक है? क्योंकि सारे के सारे जो लाइव सेशंस हैं जो भी हम इंस्टाग्राम पर करेंगे जो या यूट्यूब पर करेंगे वो सारे लाइव चैनल पर होंगे। जो हमारा मेन चैनल है वो स्पेसिफिकली अब वीडियोज़ के लिए रहेगा, तो ये सब चीज़ें अब हम करते रहेंगे और काफ़ी कुछ और भी आगे होने जा रहा है। तो प्रॉब्ली आई विल बी शेयरिंग सम फ्यू थिंग्स विद यू। एक अच्छी न्यूज़ भी है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, एक और कुछ एक्साइटिंग आने वाला है। ओके अमोल जी, फैंटास्टिक, हाय मिश्रा, मिस्टर रागिनी, रागिनी मिश्रा, ओके आई हैव, ओके फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रागिनी, थैंक यू सो मच for your beautiful comment, amazing, amazing. All right, so guys, I'm sure all of you are excited about giveaway for today, yeah? And I'm sure आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा excited हैं about कि किसको मिलेगा आपका जो जो giveaway है the greatest secret book का। मैं भी बहुत excited हूँ, मतलब सच बताऊँ ये एक अभी तक का मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट गिव अवे है। ये सबसे डिफिकल्ट गिव अवे क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये गिव अवे इतना डिफिकल्ट था मेरे लिए कि जब एक सिस्टम जनरेटेड टूल है जो ये डिसाइड करता है कि रैंडम लोगों का नाम देता है निकाल के, सारे क्राइटेरिया जो मीट करते हैं वो सब चेक करके, और उसके बाद जब वो आउटपुट निकल कर आता है तो वो आउटपुट जब हमने निकाला तो उसमें वी हैपन टू सेलेक्ट लॉट ऑफ नेम्स। ऑब्वियसली 11 सेलेक्ट होकर आए, बट जब हमने टॉप 20 मांगे तो टॉप 20 भी बहुत अच्छे नाम्स थे। देर वर ब्यूटिफुल नेम्स, अमेजिंग नेम्स, एंड यू नो मैं खुद बहुत ज़्यादा, सच बताऊँ तो मैं खुद एक्चुअली जब मेरे को फाइनली मैंने टॉप 11 नामों को देखा और उसके अगले 10 लोगों को देखा तो मुझे एक्चुअली में ऐसा फील हुआ कि मतलब यार बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, मतलब इट वॉज सो डिफिकल्ट। बट जैसा हमने कहा है पहले भी
हो सकता है आप मुझसे पर्सनली बात भी करते हो सकता है आप मुझसे पर्सनली टच में भी हो मेरे साथ, लेकिन जो सिस्टम जनरेटेड एक बार अटेम्प्ट आ गया वो है, वो बेसिकली दैट्स बेसिकली इज गोइंग टू डिसाइड कि आपको किसको गिव अवे मिलना है और किसको गिव अवे नहीं मिलना है. तो आई एम श्योर आप सब लोग खुद बहुत एक्साइटेड हैं, और आई एम श्योर SOP प्रोग्राम में की वजह से आप सब लोगों को बहुत हेल्प हुई है. यू नो जो भी जितने भी वीडियो 31 वीडियोज आई एम श्योर आप सब लोगों ने देखे हैं, तो आई एम श्योर उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी. आपने पूरे प्रोग्राम में आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी. फैंटास्टिक. सो गुड गाइज, सो आर यू गाइज रेडी फॉर नेम्स? ऑल राइट. सो गाइज मैं एक एक पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों से. मैं एक चीज़ आप सब लोगों से चाह रहा था कि इफ एनी वे अगर किसी भी तरीके से SOP प्रोग्राम ने आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट किया है, ओके, और आपको रियली लाइफ में कुछ सीखने का मौका मिला और कुछ डिसीजंस आपने लिए और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक कुछ बदलाव आए, अगर ऐसा हुआ है ठीक है, तो प्लीज़ 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 या तो मुझे कमेंट कीजिए या पर्सनल चैट भेज दीजिए. आई वॉन्ट टू शेयर दैट विद पीपल ऑनेस्टली. तो जो आपकी जो टेस्टिमनी है मैं वो लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट हाउ वेल इट हेल्प पीपल. तो आप लोग अपनी टेस्टिमनी खुद मेरे को भेज सकते हैं, दैट हाउ इट हेल्प यू एंड आई हैव रिसीव्ड फ्यू. मेरे को कुछ मैंने कुछ रिसीव भी किया एंड अमेजिंग शेयरिंग पीपल हैव डन, जो उन्होंने 31 दिनों में सीखा और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया. बहुत अच्छी शेयरिंग थी और आई एम श्योर आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है. और मुझे आज अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे विनर अभी कमेंट कर रहे हैं, विनर्स जिनको जिनका नाम उसमें आया है अभी. तो आई एम श्योर आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों का नाम अनाउंस करने के लिए. और तो हम तो बेसिकली 11 ऐसे नाम हैं जो जिन्होंने डिसाइड किया है, जिनका नाम आया है जस्ट टू हैव दिस इन प्लेस कि उनको ये बुक रिसीव होगी, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट बुक जो है वो रिसीव करेंगे हमसे. फिजिकल बुक, हार्ड कवर बुक है ये, और वी विल बी सेंडिंग देम. ओके, तो जितने भी विनर्स होंगे, आप सब लोगों को मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, आई एम श्योर आप सब लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, जितने भी लोग हैं सब सब के सब को मुझे व्हाट्सएप नंबर पर पिंग करना है, मैसेज करना है अपनी डिटेल के साथ. पूरा डिटेल आप भेजेंगे अपना, ठीक है, वो आपको सारा का सारा शेयर करना है. एंड अगर व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं है तो मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपडेट किया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, तो आप उस पर फटाफट से डाल दीजिएगा. यूट्यूब पर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आप फटाफट से वहाँ पर मुझे पिंग करके व्हाट्सएप कीजिएगा. ध्यान रखिएगा ये कॉलिंग नंबर नहीं है, ये सिर्फ व्हाट्सएप का नंबर है, तो आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं. तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा, ठीक है. दूसरी चीज़ बिफोर, मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इट वॉज सो डिफिकल्ट, इट वॉज डिफिकल्ट, यू नो, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, तो बेसिकली यू नो ऑब्वियसली एज अ रूल वी विल फॉलो एवरीथिंग कि हमने 11 बुक्स डिसाइड की थी तो हम 11 बुक्स ही देंगे. बट मैं कुछ ऐसे लोगों के नाम भी लेना चाहता हूँ जिन्होंने जिन्होंने बहुत मेहनत की थी और जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे. तो प्रॉब्ली देर आर, इनफैक्ट देर आर मैनी, ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं इनफैक्ट, जो जिन्होंने बहुत अच्छा किया था, जिन्होंने जो कि बहुत, मतलब मैं आपको सच में बताऊं तो मैं आपको बोल सकता हूं कि हम, यू नो, वो कन्फ्यूजन थी कि क्या चुना जाए. तो फिर वो बाई डिफॉल्ट जब हम कॉन्शियसली जब अपना एफर्ट डाल के उसको चुनते हैं तो वो पार्शल हो जाता है. तो फिर वो डिसाइड किया गया कि नहीं यार, जो सिस्टम जनरेटेड है रेंडम है वही पिक किया जाएगा, और सिस्टम जनरेटेड होगा तो पार्शल नहीं होगा, क्योंकि हम तो पार्शल हो सकते हैं, मैं पार्शल हो सकता हूँ किसी के लिए भी, और आप भी पार्शल हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें ना हों. तो इसी के साथ हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि यू नो, तो पहले मैं सबसे पहले विनर्स का नाम मैं लेना चाहूँगा. ओके, तो शुरुआत करते हैं विनर से. आई एम श्योर आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं विनर्स के लिए, ठीक है. तो एक चीज़ मैं वापस से बोल देता हूँ कि अगर आपका इसमें नाम आता है तो गुड, अगर आपका इसमें नाम नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी हम वापस से बहुत सारे बुक्स के गिव अवे शुरू हो रहे हैं वापस से, तो प्रॉब्ली आपको हो सकता है बहुत जल्दी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक गिव अवे शुरू करने वाले हैं हम लोग, वो आपको मिलने वाला है. मार्च में मेरा बर्थडे आ रहा है, तो उसके आसपास भी हम गिव अवे करने वाले हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, तो आई एम श्योर मार्च वाले भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका बर्थडे होगा, तो प्रॉब्ली यू माइट गेट योर बुक. ओके, तो आप में से किसी का भी बर्थडे आता है?
किसी का बर्थडे, किस किसका बर्थडे मार्च में आता है? आप में से किसी का बर्थडे मार्च में आता है? तो आप जो जिसका बर्थडे मार्च में आएगा, मेरे बर्थडे के दिन उसको स्पेशल सरप्राइज मिलेगा पक्का, आई प्रॉमिस। किस किस का बर्थडे आता है? किसी का आता है जो अभी लाइव है? मार्च वाले को है उसमें? हैप्पी बर्थडे अभी थोड़ी आ रहा है यार सुशील, अरे तुम मार्च में आ रहा है, मार्च में हैप्पी बर्थडे बोलना मुझे तुम। ऑल राइट, फैंटास्टिक। ओके तो जनवरी, अरे जनवरी बर्थडे तो निकल गया यार आपका। शुभम आपका बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ब्रो। ओके योगा प्रणा विद्या, माय गॉड ये तो बहुत डिफिकल्ट नाम है मैम आपका। ओके स्पैर सुशील आपका 27th। ओके फैंटास्टिक। दीपिका हेलो दीपिका, 20th फैब। विपिन अच्छा फैंटास्टिक, तुम्हारा तो बर्थडे आने वाला है यार, चलो तुम्हें आज गिफ्ट मिलेगा। ऑल राइट फैंटास्टिक, वेरी गुड। 4th फेब्रवरी अपूर्वा, ऑल राइट। 23 मार्च तारक या तारा कुशवाहा, 23 मार्च को आता है मेरा। 11th मार्च को बर्थडे आता है, तो मेरा बर्थडे याद रखना आप सब लोग। ओके सब लोगों को मेरा बर्थडे याद रखना है, ठीक है? विश करना मत भूलना मुझे। ऑलराइट फैंटास्टिक। तो आई थिंक तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि प्रॉब्ली अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आप यू आर द विनर, और अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो यू आर अ फ्यूचर विनर। तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप आज जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जीतते हैं तो आपको और भी ज़्यादा करने की जरूरत है। क्योंकि मैंने क्या देखा, एक पैटर्न था बहुत ज़्यादा सिमिलर पूरे एसओपी प्रोग्राम के बाद। पूरे एसओपी प्रोग्राम में बहुत सारे लोग ना शुरू में बहुत कंसिस्टेंट रहे, बहुत सारे लोगों ने शुरू में बहुत कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, उन्होंने रेगुलर कमेंट्स किए, रेगुलर शेयरिंग की इंस्टाग्राम पर, बहुत कुछ किया। लेकिन धीरे 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 जब वो 15, 16, 17 डेट के आसपास पहुंचे, उसके बाद वो ड्रॉप हो गए। तो आज हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस, मैं बता रहा हूँ आपको, जो आउटपुट है वो इतना ज़्यादा क्रिटिकल आया था कि मैं वॉज थिंकिंग अबाउट माई गॉड, कि जो लोग मैंने मेंटली सोचा हुआ था कि इनको तो डेफिनेटली सिस्टम पिकअप करेगा, लेकिन बिकॉज उन्होंने लास्ट के जो 10 दिन में देवर नॉट कंसिस्टेंट और उनका जो कमेंट वॉज नॉट द अप टू द मार्क, तो कहीं ना कहीं इट ड्रॉप्ड, और ऐसे बहुत से नाम निकले। तो आई थिंक लाइफ में ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइफ में हमें कंसिस्टेंसी अगर हम नहीं अपनाते हैं, और ऐसी अगर कुछ चीज़ें थोड़े दिन तक करते हैं और आगे तक नहीं करते, तो उसके रिवॉर्ड्स भी हमें नहीं मिलते हैं। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, हेयर ऑल्सो। तो लाइफ कंसिस्टेंसी से बनी हुई है। तो लाइफ में आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कंसिस्टेंट है, एंड हेंस यू वन। ओके तो पहला नाम मैं जो लेना चाहूँगा, ये पहला जो नाम है वो है, जो अभी स्क्रीन पर भी थे जिन्होंने मेरे को प्राइवेटली नाम भी भेजा है अपना, उनका नाम है ब्लेस्ड ब्लॉसम। ये गिव अवे विनर है हमारी बुक की, फर्स्ट विनर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इज ब्लेस्ड ब्लॉसम। ओके इनको पहली किताब मिलती है। आई एम श्योर ब्लेस्ड ब्लॉसम इज देख पा रही होंगी, आई होप ऑनलाइन होंगी, काफ़ी लोग ऑनलाइन नहीं है, काफ़ी लोग हैं ऑनलाइन, आई होप दे विल वो ये वीडियो देखें बाद में, और उन लोगों को ताकि वो मुझे कांटेक्ट कर सकें और मैं उनको बुक भेज सकूं, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो मैं बाकी लोगों को दे दूंगा, ठीक है? तो ब्लेस ब्लॉसम इज द फर्स्ट विनर। सेकेंड विनर इज ज्योत्सना, ज्योत्सना जैमवर। ओके ज्योत्सना जैमवर, बड़े कंसिस्टेंट हैं ये दोनों लोग, बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने काम कमेंट किया, बहुत फॉलोअर बिल्कुल फॉलो किया पूरा प्रोग्राम अच्छे से। थर्ड नेम है जिनका 20th फेब्रवरी को बर्थडे भी है, जस्ट उन्होंने अभी बताया मुझे, विपिन रघुवंशी। विपिन रघुवंशी इज द थर्ड विनर ऑफ द बुक ग्रेटेस्ट सीक्रेट। ओके तो ब्लेस ब्लॉसम, ज्योत्सना, विपिन रघुवंशी, ये टॉप थ्री है। टॉप थ्री नहीं है, ये सारे एक ही कैटेगरी में, टॉप थ्री नहीं है, मैंने गलत बोला है, टॉप थ्री नहीं है, सारे एक ही कैटेगरी में है, ठीक है? फोर्थ विनर है सारिका कुमावत, सारिका कुमावत इज अ फोर्थ विनर ऑफ द गिव अवे। फिफ्थ है चितवन सहगल, जो मुझे कमेंट करते थे योगिक एक्सप्रेशन के नाम से यूट्यूब पर, चितवन सहगल योगिक एक्सप्रेशन, ये एक ही नाम है दोनों। सिक्स विनर है मेघा ठक्कर, ठाकर मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, आई होप मुझे आप अपना व्हाट्सएप पर मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके सरनेम जरूर बताना, मेघा ठाकर क्या है ये, ठक्कर है ठाकर है, तो प्लीज आप मुझे जरूर बताना। THACKER ओके मेघा इज द सिक्स्थ विनर।
ओके, एट्थ विनर है जैस्मिन कोराट. ओके, मैं आई होप मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूं. जैस्मिन कोराट इज अ एट्थ विनर. ओके, नाइन्थ है जीतू भगत. जीतू भगत इज अ नाइन्थ विनर. इलेवेंथ इज राम वर्मा. ओके, इलेवेंथ है, सॉरी टेंथ है राम वर्मा. इलेवेंथ है सयाजी छवन. आई होप मैं ये नाम भी प्रोनाउंस सही से कर पा रहा हूँ. एस ए वाई ए जे आई छवन, सी एच ए वी ए एन छवन. तो ये 11 नाम है. वापस से रिपीट करता हूँ इन सब के नाम जो द ग्रेटेस्ट सीक्रेट बुक जीत रहे हैं. ब्लेस ब्लॉसम, ज्योत्सना, विपिन रघुवंशी, सारिका कुमावत, चितवन सहगल, मेघा ठक्कर, जैविन पटेल, जैस्मिन कोराट. शायद मैं जैविन पटेल बीच में भूल गया था, तो जैविन पटेल इज अनदर विनर. ओके, सो जैविन पटेल, जैस्मिन कोराट, जीतू भगत, राम वर्मा, सयाजी छवन. तो ये सारे लोग हैं जो विनर हैं. ओके, और मतलब मतलब सच में बताऊं मैं आपको कि मैं पर्सनली आप सब लोगों से चाहता हूं कि आप सब लोग मुझे पर्सनली मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पर पिंग ज़रूर करें. और बहुत सारे मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कितने लोगों को दे सकता हूं, बट बहुत ज़्यादा नहीं हुए. मैं आपको कुछ नाम आपको और भी लेना चाहता हूं जो विनर नहीं हो पाए, बट वो विनर लायक ही हैं. शायद उनको सिर्फ बुक नहीं पहुंचेगी, बट वो विनर, दे डिज़र्व टू बी विनर. ओके, पहला इज़ उनके कमेंट्स इतने सुंदर थे, प्यारे थे. दे डिड रियली वेल, बहुत अच्छा उन्होंने किया. जैसे फर्स्ट नेम इज किशोर, ठीक है, निशा विश्वकर्मा, निशा विश्वकर्मा, हर्ष शाह, स्पैरो सुशील, नंदलाल किशोर, ऋषि जामथे, मोहसिन बोहरा, एजे स्टार, सुशांत, सतवंत कौर, हरीश शर्मा. सो इन सब लोगों के कमेंट भी बहुत अच्छे थे. ऐसे 10 नाम और निकले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दिस गोज टू पीपल हु वर कंसिस्टेंट थ्रू आउट. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द गेम इज ऑल अबाउट. दैट्स व्हाट द फन इज, कि हमें कंसिस्टेंटली हर चीज के लिए, कुछ भी चीज रोज करना बड़ा मुश्किल काम है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, 31 डेज का गिव अवे इज नॉट अ शॉर्ट गिव अवे, इट्स नॉट अ छोटा, इज अ स्मॉल गिव अवे, इट्स अ बिग गिव अवे. क्योंकि क्या होता है, 31 दिन तक किसी का भी कंसिस्टेंटली काम करना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी लोग ये विनर हैं और जो भी मैंने बाद में नाम लिए, जो 21 लोगों के मैंने नाम लिए, गाइज ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये दीज गाइज आर द रियल विनर ऑफ लाइफ. मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी ने भी ये प्रोग्राम, इट इज नॉट अबाउट दिस प्रोग्राम, आप कुछ भी अगर 31 दिनों तक कर रहे हो, इसका मतलब एक बहुत ज्यादा क्लियर है. इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप लाइफ में कुछ भी कंसिस्टेंटली कर सकते हो, आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी. तो क्योंकि 31 दिन तक कुछ भी करना ना इज नॉट ईजी, इट इज वेरी टफ, इट इज वर्क डेली. सीइंग अ वीडियो ऐसे भी प्रोग्राम को फॉलो करना एक चीज है, लेकिन अगर आपने वो एक चीज को फॉलो किया तो यानी कि आप लाइफ में हर चीज को फॉलो कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगा कि रियली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई हार्ट टू ऑल ऑफ यू. एंड जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया है, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पर पिंग जरूर करना, मुझे जरूर बताना और अपना डिटेल्स आपको जरूर भेजना. टॉप 11 लोगों को मेरे को अपना डिटेल भेजना है. बाकी के जो 10 लोगों के मैंने नाम लिए हैं वो रियल विनर हैं. आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, बट शायद आपको बुक नहीं मिले. लेकिन फ्रॉम माई हार्ट आई रियली वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू दीज 11 पीपल हु रियली मेड इट एंड वर्कड रियली हार्ड टू विन दिस बुक. एंड कई बार क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक किताब को जीतने के बारे में नहीं है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट विनिंग अ बुक, इट इज समटाइम इट इज मोर देन अ बुक, इट इज अबाउट. कई बार ना बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये किताब ही तो थी, यार किताब ही तो है. बेसिकली क्या होता है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट बुक. ये शायद इस बारे में नहीं है कि एक किताब है या कितनी महंगी किताब है या कितनी सस्ती किताब है. इट इज अबाउट विनिंग लाइफ में ना. कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा ना जीतना चाहते हैं और वो जीतते रहते हैं हमेशा, और वो जो विनिंग ना उनकी हैबिट में होता है, आदत में होता है. तो वो जो उनकी हैबिट होती है ना, जो उनका एटीट्यूड होता है, वो उनको लाइफ में ना हर जगह जिताता है.
वो विनिंग एटीट्यूड कैरी करना ज्यादा जरूरी है, रादर देन व्हाट यू विन, आप क्या चीज जीतते हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो एक आज ये जो एसओपी प्रोग्राम है ये इसका भी एग्जाम्पल है कि आपने प्रोसेस पर ध्यान दिया, विनिंग पर, यू नो, डेस्टिनेशन तो अपने आप आपको मिल गया। आपने 31 दिन पर जिसने ध्यान दिया, पूरा 31 डेज जिसने ध्यान दिया उसको अपने आप ही मिल गया। तो आई एम श्योर, यू नो, ये सब आई थिंक बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आई एम श्योर आएंगी, और अभी हम प्लान कर रहे हैं, यू नो, काफ़ी कुछ प्लानिंग इज ऑन, काफ़ी चीज़ों की प्लानिंग ऑन है अभी। तो आई एम श्योर आपको बहुत सारी ग्रेट न्यूज़ मिलने वाली है, जैसे मैं, यू नो, आप में से जैसे मेरे को ना बहुत ज़्यादा बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट वी क्रिएट, जिस तरह की क्वालिटी हमारी चैनल की है, जिस तरह से हम अपने चैनल पर क्रिएट करते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, क्योंकि देखो मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो हमारा चैनल हमेशा से हिंदी में रहा है, हमारा जो लाइव वाला चैनल है वो भी हिंदी में है, हमारा जो मेन रीडर बुक्स क्लब जो चैनल है वो भी हिंदी में है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे हमें रिक्वेस्ट किया कि आप अपना कुछ वैसा बनाइए कि आप ऐसा चैनल भी बनाइए जिसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी हो। आप में से कोई है ऐसे, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का भी रीडर बुक्स क्लब का एक चैनल होना चाहिए? एनी वन ऑफ, बिकॉज आई गॉट लॉट ऑफ कमेंट्स इन द पास्ट 2 ईयर्स। मेरे को 2 साल में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि आपकी समरीज इतनी अच्छी होती हैं, बट आपको इसके साथ साथ एक और लैंग्वेज रखनी चाहिए, विच इज इंग्लिश। आप में से कोई है ऐसा जो इंग्लिश लैंग्वेज को भी करना चाहता है? ओके, शुभती, शुभ तिवारी, ओके, इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, फैंटास्टिक। तो आप, यानी कि आप में से भी काफी लोग हैं जो, यू नो, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, जो इंग्लिश में ही आप चाहते हैं कि आपको मिले। ओके, ट्विट ट्विटली, अभी ट्विट ट्विटर वाली ट्विटली कॉर है ये। ओके, बहुत यूनिक नेम है आपका। ओके, फैंटास्टिक। ओके, तारा तारा कुशवाहा। ओके, यस, इंग्लिश इज ऑल्सो कम्फर्टेबल। तो हम क्या सोच रहे हैं, अभी हमने जो प्लानिंग की है मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमारी जो प्लानिंग ये है कि बहुत जल्दी इन फेब्रवरी मंथ हम आपको, आई नीड टू शेयर माई फ्रेंड, ही डजेंट अंडरस्टैंड हिंदी, सो आई टू प्रिफर इंग्लिश। फैंटास्टिक, अमेजिंग, वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग जो हमारे साउथ के हैं, ठीक है, दे डोंट नॉट प्रेफर हिंदी, उनको हिंदी समझ में नहीं आती, जैसे नॉर्थ हैं या फिर मतलब जो इधर वाले लोग हैं हमारे, लेकिन जो स्पेशली जो साउथ पैटर्न है हमारा, तो वहाँ पर हिंदी थोड़ा सा, हिंदी स्पीकिंग कम है, हिंदी अंडरस्टैंडिंग भी कम है। तो बहुत जल्दी हम लोग वी आर कमिंग अप विद इंग्लिश चैनल। ओके, सो इट्स अ सरप्राइज, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया अभी आपको, ठीक है, आप सब, सिर्फ आप लोगों को बताया जा रहा है। इंग्लिश चैनल फटाफट से जल्दी से आने वाला है, प्रॉबेबली इसी मंथ में हम इंग्लिश चैनल लॉन्च करने वाले हैं। एंड उसमें आपको एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, सबसे अच्छी चीज़ उसमें होगी, आपको उसमें सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं मिलेगी, आपको स्पेशल आवाज़ें मिलेंगी, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया के बेस्ट ऑफ द वॉइस ओवर जो लोग हैं वो आपको अपनी आवाज़ में, यू नो, सुनाने वाले हैं वो समरी सारी की सारी। तो उस पर काम चल रहा है और बहुत बड़े लेवल पर काम होगा उस पर भी, तो आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इंग्लिश बुक समरीज भी। तो उसका नाम भी सेम ही होगा, रीडर बुक्स क्लब इंग्लिश करके उसका नाम होगा, और अभी वो प्लानिंग में है, काम उस पर शुरू हो चुका है, और काफ़ी चीज़ें इस पर अच्छी होंगी, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल विल इंक्रीज, बहुत अच्छी, मतलब एक्चुअली क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन हम किस में कंफर्टेबल है, देखो जो सीख होती है, जो हम जब हम सीखना चाहते हैं, आई थिंक सीखना हमेशा उस लैंग्वेज में चाहिए जो हमारे लिए कंफर्टेबल होती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको, जिनके लिए, जिनकी प्रेफर्ड लैंग्वेज कुछ और होती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे भी दोस्त हैं, उनकी प्रेफर्ड लैंग्वेज हिंदी नहीं है, उनकी प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है, मेरी खुद की प्रेफर्ड लैंग्वेज हिंदी है, तो मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में। तो कहीं ना कहीं, यू नो, इट डिपेंड्स ऑन, तो लर्निंग हमेशा प्रेफर्ड लैंग्वेज में होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश समझता तो ज़्यादा ही समझदार है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो मैं तो बहुत बड़ा डम होता अगर ऐसा होता तो गाइज, आई होप यू गोइंग टू इंजॉय दैट अलॉट, और बहुत मज़ा आने वाला है उसमें भी, और काफ़ी अच्छी समरीज में भी निकालेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि जितनी भी समरीज हम इस चैनल पर निकाल रहे हैं, मेन चैनल पर निकाल रहे हैं, वो समरीज सारी की सारी वहाँ पर धीरे धीरे, क्योंकि ये तो अभी 2 साल पुराना चैनल हो गया, तो धीरे धीरे वो सारी समरीज भी वहाँ पर आपको समझ में आएंगी। एंड आई एम श्योर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा उसमें सीखने को मिलेगा, और काफ़ी कुछ नया करने की कोशिश करेंगे हम उसमें, एक अलग एक्सपीरियंस, आपको, आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल अलग ही होने वाला है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, बहुत ही कुछ अलग देने वाले हैं आपको उसमें, तो यू गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। तो ये सारी प्लानिंग चल रही है, तो फेब्रवरी में ये सरप्राइज है आपके लिए,
मार्च में मैंने आपको बताया मेरा बर्थडे आ रहा है, मार्च में आपको अलग सरप्राइजेस मिलने वाले, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से मिलने वाले, तो उसको भी इंजॉय करेंगे हम लोग. और आई थिंक वी शुड लुक फॉरवर्ड टू इट. एंड बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए. आप लोग अगर साथ हैं और अगर आप उसको पसंद करते हैं तो इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा आने वाला है. और आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी कनेक्टेड हैं. आप, मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था. मैं काफ़ी जो हमारे वीडियोस हैं, जो जब भी हमारी कोई डेली वीडियोस रिलीज होंगी, जो भी वीकली वीडियोस रिलीज होंगी, तो वो सारी की सारी वीडियोस मैं प्रॉब्ली आई बी शेयरिंग एवरीथिंग ऑन अ पर्सनल चैट ऑल्सो. तो मैं पर्सनल चैट पर भी शेयर करूंगा आपके साथ व्हाट्सएप पर. तो प्लीज़ अगर आपने हमारा नंबर अब तक सेव नहीं किया तो नंबर को सेव करना ज़रूरी है, ताकि मैं वो आपको जो सारी डिटेल्स हैं वो ब्रॉडकास्ट की जा सके आपको. तो नंबर को सेव कर लें, व्हाट्सएप का नंबर. अगर आपके पास व्हाट्सएप का नंबर नहीं है तो मैंने व्हाट्सएप का नंबर आई थिंक बहुत जगह दिया है, मैंने इंस्टाग्राम पर भी दिया है, स्टोरीज में भी डाला हुआ है, हर जगह डालता हूँ मैं उसको. तो फटाफट से आपको यू नो उसको जल्दी से, अगर आपने मुझे अब तक पिंग नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, मुझे फटाफट से अपना अपना नाम और अपना ईमेल आईडी फटाफट से पिंग कीजिए, ताकि मैं आपको चीज़ें बता सकूँ. मेरा जो नंबर है वो है, व्हाट्सएप नंबर वैसे मैंने हर जगह डाला हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी में डाला हुआ है. इसका नंबर है 8810521914. ओके, 8810521914 इज़ अ व्हाट्सएप नंबर. इस पर आप हमें मुझे पिंक कर सकते हैं, मैं आपको लिस्ट उस लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ जहाँ पर हम जितने भी अलर्ट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, कुछ भी लॉन्च हो रहा है, कुछ भी नया आ रहा है, तो वो वहाँ पर सब पर हर जगह पर मैं उसको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ. तो गाइस, आई थिंक आज के लिए बस इतना सा, ठीक है. आज का जो, क्योंकि आज का जो मेन सेंटर पॉइंट है वो ये लोग हैं, 11 लोग जो विनर हैं, यू नो इन आज यही मेरे ख्याल से यही हमारी लर्निंग है कि कंसिस्टेंट रहना है और इसी से लेकर आगे बढ़ना है और इसी को समझना है बेसिकली, कि विनर्स का जो एटीट्यूड होता है वो कंसिस्टेंट एटीट्यूड होता है, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं. आई थिंक ये समझ के आज इस सेशंस को हम ओवर करेंगे और आपसे जल्दी वापस से मिलेंगे. हर संडे इसी तरह हम वापस से जुड़ते रहेंगे. और अभी हम मोस्ट लाइकली हो सकता है नेक्स्ट संडे से या सैटरडे से हम यूट्यूब लाइव पर भी फोकस करेंगे. यूट्यूब लाइव में भी, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यूट्यूब लाइव में भी कुछ गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं, जो हमने डिसाइड किया है कि वो एक सेशन लिया करेंगे आप सब लोगों के लिए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव सेशंस हैं, जो बहुत ही वैल्यू ऐड करेंगे आप लोगों को. सिर्फ यूट्यूब पर आपको सिर्फ कुछ नहीं, खास नहीं करना है, यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर वो वीडियो देखना है. आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन होता रहेगा आप लोगों को. तो गाइस, लेट्स ऑल द बेस्ट, ठीक है. ये सारे लोग जितने भी विनर्स हैं, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर पिंग कीजिए, अपनी सारी डिटेल्स भेजिए और यू विल रिसीव इट, यू नो मे बी विद आई थिंक विद इन 1 week's time, you will receive your book. Thank you so much. Take care. Love you guys. All the best.